नहीं अभी तक फोटो नहीं मैरिड नहीं। तो टापू किसके नाम पे? टापू मेरी मदर के और सिस्टर के नाम पे। तो रिन्यू किसने करवाना है? मेरी मदर का सर, उनका। और अगर आप टूरिस्टिक टीआरसी आप अप्लाई करो तो ये तो आपके पास टूरिस्टिक प्लान्स होने चाहिए कि आपको क्यों रहना है यहाँ। आप यहाँ रहना चाहते हो पर्पज ऑफ स्टे के लिए, एक वो फॉर्म दे रहे हैं आपको, वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा पर्पज ऑफ स्टे का। तो अगर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं देन उसमें क्या इशू आ सकता है इसके पास? आपकी सिस्टर और आपकी अम्मी दोनों का नाम अगर टापू में लिखा हुआ हो तो भी फिर मसला नहीं होगा। कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर रहा और वो अप्लाई कर रहा है, उसके बाद उसकी रिजेक्शन हो जाए, फिर वो ये कहेगा यार आजकल तो रिजेक्शन हो रही है, तो ये गलत बात है। और कि आप जो मशवरा देंगे वो ठीक हो। आपने मुझसे जो सवाल किया मैं उस सवाल का जवाब आपको फी सबीलिल्लाह दे रहा हूँ। अब अगर आपका दिल चाहे तो फॉलो करो, अगर आपका दिल चाहे तो फॉलो ना करो, मर्जी आपकी। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने आपको जो मैं गाइड कर सकता था मैंने आपको गाइड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक ठाक बिल्कुल। आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए आपको। बेसिकली मैं यूट्यूब पे ही मैंने सब्सक्रिप्शन की हुई है, मैं फॉलो करता हूँ आपको। तो मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी जी। अच्छा सबसे पहले तो सर ये कि मैंने अपनी मदर का जो टीआरसी है वो रिन्यू करवाना है, तो उस सिलसिले में मैंने पूछना था कि एसएनयूट में हम रह रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय की थी आज से ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए, नेक्स्ट मंथ जो है ना वो 2 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए मुझे जानना था कि अगर आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गए हैं, अब जो कि उन्होंने सेकेंड टाइम एरिया जो है वो ऐड किए इसमें जो 1100 समथिंग हो गए, तो उसमें अगर आप आ गए हैं आपने प्रॉपर्टी पहले की ली है तो उसमें आपको कोई इश्यू या कोई टेंशन की बात तो नहीं? नहीं, आपका नफूस रजिस्टर है ना? सर नफूस रजिस्टर नहीं है। अच्छा नफूस रजिस्टर नहीं है। नफूस का यानी कहने का इश्यू है कि नफूस रिया नहीं ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तब बात में। तो नफूस आपका कहीं ना कहीं तो होगा ना? अब ये सर मैंने कल मैं आज गया था कुछ दादाजी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सुबह 6 बजे आ जाए मॉर्निंग में, आपको हम जो गार्ड बॉय होंगे वो आपको टाइम देंगे, तो 8 बजे ऑफिस खुलेगा तो उसके बाद आप अपना नफूस ले सकती हैं। अच्छा, तो लेकिन वैसे पॉलिसी यही है कि जिन लोगों का पहले से रजिस्टर है ना, या पहले से जिन लोगों की प्रॉपर्टीज है पुरानी, उनका मसला नहीं है। जो अब नए हैं ना, ये इस अनाउंसमेंट के बाद जो नए हैं वहाँ, उनके लिए प्रॉब्लम है, उनको पहला कार्ड ही नहीं मिलेगा, तो आपका इतना मसला नहीं है। तो सर अगर मैं ये भी जानना चाह रहा था कि मैं इन केस सुबह जाऊँ पूछे करवाने तो कोई इश्यू क्रिएट ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, तो उससे पहले भी हम यहाँ पे रह रहे थे ना, ऑलमोस्ट 2015 के एंड से मेरी मदर का कार्ड फर्स्ट टाइम तक हमने करवाया था, तो रिन्यूअल में ही था। अच्छा अच्छा, तो आपका कहीं कहीं पे भी आपका कहीं पे भी नफूस नहीं है आपका? सर मेरा नहीं क्या, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे होता था, मेरा भाई होता था, हमारा रजिस्टर था। अच्छा। तो आपको पता आज से पहले जरूरत नहीं तब पड़ी, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चलता था, गए करवा लिया। अब भी इस थोड़ी जो ये रास्ते भी कार्ड रिन्यू करवाया वो प्रॉपर्टी पे ही हुआ है, जो घर का टापू लगा के इस पे उन्होंने रिन्यू करवाया ना। अच्छा अच्छा, आप बहरहाल कल जाओ जाके अपना नफूस रजिस्टर करवाओ, उसके बाद टीआरसी अपना रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना। आपका टूरिस्टिक टीआरसी है या रेजिडेंस परमिट है आपका? सर ये टूरिस्टिक पे ही। तो यार इसको रेजिडेंस परमिट करवाओ, इसको टूरिस्टिक टीआरसी को चेंज करवाना। अब मैं इसी मैंने सिर्फ आपसे गाइडेंस के लिए मैंने कहा था, मैंने दिए 3-4 पॉइंट्स आपको पूछने थे,
अब मैं ये जा रहा हूँ कि चले मैं कल इंशाल्लाह ताला नुपुर ले आता हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 29, 29 and a half। तो मैरिड हो आप? नहीं अभी तक मैरिड नहीं। तो टापू किसके नाम पे है? टापू मेरी मदर के और सिस्टर के नाम पे। तो रिन्यू किसने करवाना है? मेरी मदर का सर, उनका ऑलमोस्ट जो है ना अक्टूबर 15 को कार्ड जो है वो खत्म हो रहा है, तो आपको पता 2 महीने पहले करवा सकते हैं। हाँ। तो अब अगस्त की 15 के बाद करवा सकते हैं, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि मैं इसको ना प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर। और सिस्टर सिस्टर का भी रिन्यू करवाना है? उनका सर नेक्स्ट ईयर में है, नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट। अच्छा, और सिस्टर की एज कितनी है? उनकी एज है 25 के राउंड अबाउट। यार ये अंडर, अच्छा टापू पे नाम किस किस का लिखा हुआ है? सर मेरी मदर का और मेरी सिस्टर का। यार अंडर 18 का नाम हो सकता है टापू में, अबव 18 का नहीं हो सकता, इससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आपकी अम्मी के ना। लेकिन सर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो है वो इसी पे बेसिकली दोनों ने अपना कार्ड रिन्यू करवाया। हाँ तो वो तो टूरिस्टिक टीआरसी थे ना जो रिन्यू करवाए थे। जी जी। तो अब तो अब अगर आपकी प्रॉपर्टी है आपको, तो आपको रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है, और अगर आप टूरिस्टिक टीआरसी आप अप्लाई करो तो ये तो आपके पास टूरिस्टिक प्लान्स होने चाहिए कि आपको क्यों रहना है यहाँ। आप यहाँ रहना चाहते हो पर्पज ऑफ स्टे के लिए, एक वो फॉर्म दे रहे हैं आपको, वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा पर्पज ऑफ स्टे का। तो अगर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं देन उसमें क्या इशू आ सकता है सर इसके बाद? देन रेजिडेंस परमिट में अप्लाई करोगे, आपकी अम्मी और आपकी सिस्टर दोनों एक ही टापू के अंदर हैं। आपकी अम्मी तो चलो ठीक है उसमें सही है, लेकिन आपकी सिस्टर जो है ना वो अबव 18 है, तो अम्मी का और सिस्टर का रिजेक्ट हो सकता है, या फिर सिस्टर जो है वो एक डिपेंडेंसीज का लेटर बनाए कि जी ये अंडरटेकिंग का कि मेरी मदर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है मेरे ऊपर और इनकी तमाम तर किफालत जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो फिर आपकी सिस्टर और आपकी अम्मी दोनों का नाम अगर टापू में लिखा हुआ हो तो भी फिर मसला नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी तो मदर ने अपना अप्लाई किया तो उसके साथ भी अंडरटेकिंग चाहिए सिस्टर। एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों का नाम उसमें लिखा हुआ है टापू के अंदर। जी, थोड़ा सा काम जाना वो मुझे और एक्स्ट्रा समय नहीं आया। हाँ तो ये असल में ये थोड़ा सा ना, क्योंकि ये पॉलिसी चेंज हो गई है, तो अब प्रॉब्लम यही है कि आप जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं ना, आप उसी का कार्ड आप अप्लाई करें, और जिस कैटेगरी का कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी में फॉल करने के लिए आपके पास कंसोलिडेटेड रीजंस होने चाहिए। अगर आप प्रॉपर्ली अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते, रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं करते, तो आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो सकती है, रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। सर अब आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इसको टीआरसी में ही अप्लाई करना चाहिए या इसको रेजिडेंस में कन्वर्ट करना चाहिए? देखो टीआरसी में अप्लाई करोगे टूरिस्टिक टीआरसी में, वो आपसे टूरिस्टिक प्लान्स मांगेंगे, वो अगर आपने प्लान्स प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किए, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सफिशिएंट फंड नहीं शो किया, तो टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी, और रिजेक्ट हो जाएगी इस सिनेरियो में, अगर रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको केस करना पड़ेगा, उस केस के अंदर फिर आपको अपनी कैटेगरी चेंज करवानी पड़ेगी कि जी मेरी कैटेगरी टूरिस्टिक से मेरी वो कर दें रेजिडेंस। अब रेजिडेंस में आप कैटेगरी चेंज करवाओगे तो रेजिडेंस में अबव 18 का एक साथ में ऐड है पार्टनर, ठीक है प्रॉपर्टी में, अब उसमें फिर ये मसला आता है कि जो बच्चे अबव 18 होते हैं उनको प्रॉपर्टी में ऐड नहीं कर सकते आप, तो उसमें बस अंडरटेकिंग का फिर एक लेटर बना के आप ऐड कर सकते हो कि यार ये मेरी मदर है और शी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी, मतलब आपकी सिस्टर की तरफ से लेटर होगा, तो फिर वो उनका हो जाएगा। आपका क्या स्टेटस है? सर मैं तो यहाँ पे मैं एक्चुअली होता हूँ पोर्तगाल में। अच्छा 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 तो
तो मैं अब यहाँ पे आया हुआ था ई वीजा लेके, तो पहले मैं भी यहाँ पे टर्की में होता था ऑलमोस्ट 4 and a half years। अच्छा, तो उसके बाद पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से स्पेन, स्पेन से पुर्तगाल। अच्छा, तो अच्छा, अब मैं आया हूँ। तो अब यहाँ पे जो चीजें वो काफी जो है ना वो स्पेशली ये टी आर सी टफ हो गई है। टफ भी, टफ तो चले ठीक है, टफ भी हो जाए, लेकिन पता नहीं ना, कोई बंदा कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, वो एक सीक्वेंस वाइज बात समझ नहीं आ रही है कैसे क्या करना है। भाई देखो, मेरी आपसे बात हो रही है, मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए, ना मैंने आपसे किसी किस्म का कोई बोली है। मैंने स्पेसिफिक में बता रहा हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको कॉल की कि आप जो मशवरा देंगे वो ठीक हो। आपने मुझसे जो सवाल किया, मैं उस सवाल का जवाब आपको फी सबीलिल्लाह दे रहा हूँ। अब अगर आपका दिल चाहे तो फॉलो करो, अगर आपका दिल चाहे तो फॉलो ना करो, मर्जी आपकी। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैंने आपको जो मैं गाइड कर सकता था मैंने आपको गाइड किया। मजीद अगर आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछने तो आप पूछ लें। जी ठीक हो गया। चलिए, अब आपका जी, आप टीआरसी के लिए अप्लाई करोगे मदर का, तो मदर के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। आप उनके रेजिडेंस परमिट का अप्लाई करो, क्योंकि उनके उनकी प्रॉपर्टी है। रेजिडेंस परमिट का अप्लाई करने से आपको बस एक सिस्टर से अंडरटेकिंग लेटर बनवाना पड़ेगा कि माय मदर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी। आपके वाले साहब का इंतकाल हो गया है? जी, आपके वाले साहब हैं, हयात है? इंतकाल हो गया, तो साथ में उनका एक डेथ सर्टिफिकेट भी लगा देना, वो तो रखा होगा ना आपके पास? जी बिल्कुल। हाँ, तो सिस्टर की तरफ से एक अंडरटेकिंग का लेटर, मदर का फादर का डेथ सर्टिफिकेट, और मदर की एज और उनकी जो भी मेडिकेशंस वगैरह हैं थोड़ी चीजें ऐड कर देना। बहन की तरफ से एक लेटर बन जाएगा अंडरटेकिंग के, जी माय मदर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी, और उसको ट्रांसलेट करवा के नोटराइज करवा के साथ लगा। हाँ, ये नोटर से बनेगा ये लेटर, आप इंग्लिश में लेटर बना लो या आप गूगल से ट्रांसलेट करके बना लो, एक इंग्लिश में बना लो। वहां बेसिकली आप नोतर में तो आपको ट्रांसलेटर चाहिए ही चाहिए होगा, इंग्लिश में लेटर बना लो, उस लेटर को फिर वहां ट्रांसलेटर के पास जाएंगे नोतर वाले के पास, तो वो फिर नोतर जो है ना उसको टर्किश में ट्रांसलेट करके लेटर बना देगा आपको। और क्योंकि फिर वो पढ़ के भी सुनाएगा, बहन को भी पढ़ के सुनाएगा, तो वो फिर इस तरह से आपका एक लेटर जो है ना वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो सेकंड चीज सर ये कि मैंने पूछना था कि उसके साथ जो घर है हमारा ताज रह गया, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे? यह डॉक्यूमेंट तो बेसिक ही डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वही इंश्योरेंस है, टैक्स की जो आपने पेमेंट की होती है उसकी रिसिट होती है, उसके अलावा नुमारा ताज होता है आपका, नुमारा ताज के अलावा जो है वो नफूस का पेपर होता है, और बीच में हाँ टापू की कॉपी हो गई, और बस क्योंकि प्रॉपर्टी होल्ड करनी है तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होते ना। अच्छा सर, एक्सपर्टीज रिपोर्ट जो है वो मैंने सुना जी, वो भी आप निकलवा के साथ भेजे? नहीं 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 नहीं, आपकी प्रॉपर्टी पुरानी है, कितने साल पुरानी है? सर ये 2 साल नेक्स्ट मंथ के, बल्कि इसी मंथ की जो एंड है ना 30th को 2 साल पूरे हो जाए। बस ठीक है, आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे ही आप सबमिट करवाओ। आपने 2 साल पहले कितने की ली थी? तब तो थी 275 की थी, लेकिन टापू पे आपको पता है वो कम मेंशन करते हैं, टापू में मेंशन की हुई है 220 की, 2,20,000। तो यार अब तो बहरहाल अच्छी खासी वैल्यू बढ़ गई होगी इसकी 2 साल पहले आपने लिए, कोई मसला नहीं है आपका, वो हो जाएगा। किस मोहल्ले में? ऐसे नहीं, में बाला चश्मे मोहल्ले में। अच्छा, ये संजन हॉस्पिटल के पास ही है। अच्छा, संजन हस्ताने, अच्छा अच्छा, असंजन मैदान से, सही समझ गया, मैं समझ गया, असंजन हस्ताने के, असंजन हस्ताने की बैक साइड पे हो गया ना? जी बिल्कुल सही 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 सही। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप अल्लाह का नाम लेके अपनी मदर का जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप वैसे फॉलो कर लें, इंशाल्लाह उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये कि नफूस आप जरूर करवा लें अपनी मदर का,
जी वो बिल्कुल सिक्योरिटी, वही मुझे अब समझ आ रही कि पहले करवाया होता तो ज्यादा बेटर था। हाँ, अकॉर्डिंग टू द टर्किश, हाँ अकॉर्डिंग टू द टर्किश लॉ, आप जहाँ पर भी रहते हैं टर्की के अंदर, कहीं पे भी रह रहे हो, आपको अपना एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवानी है। इफ इन केस खुदा ना खास्ता आपका कोई हादसा हो जाए आपके साथ, खुदा ना खास्ता, तो आप आपके घर वालों को कैसे ट्रेस करेंगे? तो वो कार्ड कार्ड से ना आपके किमलिक नंबर से आपके घर तक वो पहुंच जाते हैं, जो भी मतलब हॉस्पिटल वाले हो या कोई भी हो या कहीं कोई ज़रूरत हो, तो अल्लाह ताला ना करे कि किसी को कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन उससे ट्रैकिंग हो जाती है प्रॉपर ना। सही, और कोई सवाल करना है दोस्त? भाई एक लास्ट थिंग ये है कि इन केस अगर केस रिजेक्ट हो जाता है देन उसमें फिर अपील के उसके बाद क्या कितना परसेंट चांसेस क्या सिस्टम होता है दोस्त? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से अप्लाई करोगे तो आपका कतई तौर पर रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। और सबसे आसान तरीका जो है ना वो यही है कि आपकी प्रॉपर्टी हो और आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें, 100% आपको मिल जाता है रेजिडेंस परमिट, और ऑलरेडी वो 2 साल से यहाँ रह भी रही हैं। ठीक है, इफ इन केस खुदा ना खास्ता अगर रिजेक्शन होती है, तो फिर आपने क्या गड़बड़ की है, आपने क्या उसको उस पर डिपेंड करता है कि वैसे तो रिजेक्शन का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना आपके स्नैरियो के अंदर। अच्छा मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहा हूँ ना काफी टाइम, तो एक दफे उन्होंने बीच में हुआ था आई थिंक 2019 के स्टार्ट में, तब इन्होंने काफी सख्त किया ना कार्ड भी, ये तकरीबन 90% रिजेक्ट ही कर रहे थे, और तब ये करते ये थे कि आपसे काफी पेपर रहे के इनकी आदत है ना, आपको ये उसमें तब बता नहीं रहे थे कि किस वजह से रीजन नहीं कोई दे रहे थे, तो फिर मैं ये जानता हूँ कि अब ये आपको अगर रिजेक्शन होती तो ये आपको रीजन पूरी फुलफिल करते हैं, बताते हैं कि क्या इश्यू है क्या नहीं। दोस्त रीजन तो ये एक्सप्लेन करते हैं जो भी आपका रिजेक्शन का रीजन हो। अब बात ये है कि आप जिस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी की आपके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप टूरिस्टिक टीआरसी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास टूरिस्टिक प्लान्स होने चाहिए, ये इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है क्लियरली। अब अगर कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर रहा और वो अप्लाई कर रहा है, उसके बाद उसकी रिजेक्शन हो जाए, फिर वो ये कहेगा यार आजकल तो रिजेक्शन हो रही है, तो ये गलत बात है। आप रिक्वायरमेंट को एक और चीज मुझे इसके बीच में आपको थोड़ी माजरत काटता हूँ, उसके साथ बैंक स्टेटमेंट भी लगानी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, हाँ बैंक स्टेटमेंट से आपको ये सपोर्ट हो जाती है कि भाई आप तो यहाँ जॉब तो करती नहीं है, और जो भी जैसे आप हैं, आप अपनी मदर को पैसे भेज रहे हैं तो मदर के नाम पे अगर बैंक अकाउंट है तो वो उससे उससे उनको हो जाएगा। फिर दूसरा ये कि आपकी जो मदर की एज है ना, वो ऐसी है नहीं कि वो कोई जॉब करें ना और जॉब करें जी, तो फिर मदर से उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि जी वो इलीगल कोई जॉब कर रही होंगी। अगर इन मदर के केस में अगर आप नहीं भी लगाते स्टेटमेंट तो मसला नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट लगा देना ज़रूरी है, बेहतर है, क्योंकि जो फॉर्म है उस फॉर्म के रिक्वायरमेंट्स लास्ट में रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, उसमें लिखा होता है कि जी सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी ना, या जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसके लिए आपके पास सुफिशेंट फंड्स हैं या नहीं है, तो वो बैंक स्टेटमेंट से शो हो जाता है। आपकी अम्मी के नाम पर बैंक अकाउंट है? जी है। वहाँ पर कदम कोई मसला ही नहीं है, आप बैंक जाओ, बैंक को बोलो कि मुझे पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट दे दें, वो आपको दे देंगे। हाँ तो ये यंगस्टर्स के केस में ज्यादा होता है कि यार वो यंगस्टर्स हैं, जॉब कर सकते हैं इलीगल, तो वो फिर एक ट्रैकिंग होती है कि यार कॉन्स्टेंटली फ्लो ऑफ मनी है, बाहर से पैसा आ रहा है, उससे फिर वो कन्फर्म होता है ना। आपसे बात करते हो मुझे काफी चीजें क्लियर होगी। यू आर वेलकम दोस्त, आपकी कॉल रिकॉर्डेड है। अच्छा कॉल रिकॉर्डेड है, चलिए बस आप हाँ। आपके व्यू लॉग पे चल जाए क्या? मैंने कहा आपके व्यू लॉग पे चल जाए। हाँ मैं इसको अपलोड कर दूंगा विद योर परमिशन, क्योंकि देखो जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जी।
और अब इनसे ये होता है कि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बजाय इसके कि मुझे 10 लोग कॉल करके पूछें और मैं सेम जवाब दे रहा हूँ, तो इससे बेनिफिट दूसरों को भी ये हो जाता है कि यार उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना। जी बिल्कुल और कोई हमने प्राइवेट, जी हाँ, और हमने कोई प्राइवेट तो डिस्कशंस कोई की नहीं है किसी किस्म की। बिल्कुल तो विद योर परमिशन मैं इसको डाल दूँ ना नेट पे। जी सर, जी बिल्कुल, कोई मसला सही नहीं सही। है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो मुझे आप इसी तरह मैसेज करके पूछ लेना, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना। जी, ओके भाई, थैंक यू भाई, शुक्रिया जी, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। बहुत शुक्रिया आपके। अस्सलाम वालेकुम।